और चलिए अब बात करते हैं जेल की, जहां पर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आए दिन दिन दहाड़े किस तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश फरार हो जाते हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। देखिए, तो जींद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इन बदमाशों की ये सारी करतूत कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से बदमाश बेखौफ होकर यहां लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रशासन एक तरफ सुरक्षा के बढ़ते अपराधों और बदमाशों पर लगाम लगाने की बात तो कहता रहता है, लेकिन प्रशासन के इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। सरकार ने प्रशासन को पहले से ही आदेश दिए हैं कि प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोका जाए। बढ़ते अपराधों पर लगाम के लिए वो सारे कदम उठाए जाए जो जरूरी है, लेकिन प्रशासन इन आदेशों के बाद भी कहीं ना कहीं लाचार नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन प्रदेश में कोई न कोई अपराध की घटना सामने आती रहती है। ताजा मामला जींद का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने हथियार और पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 22,000 रुपए लूट कर फरार हो गए, लेकिन यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले दो बदमाश आते हैं, जिनमें से एक के पास तेज धार हथियार और एक के पास पिस्तौल होती है, और एक बदमाश पीछे से आता है जिसके हाथ में भी तेज धार हथियार है। वो तीनों बदमाश हथियार और पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, और जब सेल्समैन पैसे नहीं देता तो उसको हथियार के बल पर डराया जाता है। फिर पीड़ित शख्स के साथ एक बदमाश अंदर जाता है, वो बाकी दो बदमाश बाहर खड़े रहते हैं। उसके बाद बदमाश पैसे लेकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। प्रदेश में आए दिन अपराध की वारदातें सामने आती हैं और कई वारदातों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं, जिसके चलते बार बार खाकी पर ही सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, जबकि सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से अपराध पर लगाम लगाने के लिए आदेश दे रखे हैं, और इसके लिए सरकार ने प्रशासन को हर जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इन अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लगा पाता, क्यों बार बार खाकी सवालों के घेरे में आती है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन अपराधों पर कब तक लगाम लगाया जाएगा और पुलिस जींद में हुई इस वारदात के आरोपियों को कब तक अपनी गिरफ्त में लेगी। हर खबर हरियाणा के लिए जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।